सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। आज मैं गाजियाबाद के अंदर यहाँ राहुल विहार सिद्धार्थ विहार के अंदर सरोज गौतम जी चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है किताब, वार्ड नंबर 2 है। और यहाँ पर ये स्थिति है कि ये किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग पूनम यादव के समर्थक हैं। तो इनका गांव-गांव जायजा लिया जा रहा है, शहर शहर, वार्ड वार्ड वार्ड। रोहताश जी, स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओ, चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? चुनाव का मुद्दा क्षेत्र का विकास करना और जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको भी आगे बढ़ाना। जी, विकास क्या करोगे? विकास जो ये अवरुद्ध है, सिद्धार्थ विहार का बिल्कुल डैमेज स्थिति पड़ी हुई है जी। नाली खरंजे बेकार हैं, रास्ते बेकार हैं, लाइट की सुविधा सही नहीं है, पानी की सुविधा सही नहीं है जी। और बहुत सारी समस्या हैं जो शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं, नजर नहीं आ रही है। तो इससे पहले जो बीजेपी के वर्तमान में पार्षद हैं यहाँ पर, उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं किया? नहीं, उन्होंने हल्का वल्का किया है, और राहुल विहार में किया है, इधर सिद्धार्थ विहार में नहीं किया। तो यहाँ कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ वर्तमान में 9 प्रत्याशी मैदान में है। ये रिजर्व सीट है, जनरल सीट है? ये सामान्य सीट है। सामान्य, तो SC कितने खड़े हैं इसमें? इसमें तीनों को छोड़ के बाकी 6 SC हैं। SC हैं जी। तो यानी कि भाजपा को जिताने का पूरा लक्ष्य बना दिया आप लोगों ने। अब जब लड़ रहे हैं तो अब जीते तो कोई भी जीते। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम तो इस टाइम निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, इस टाइम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे? बहुजन समाज पार्टी से थे। कितने साल से थे? करीब उससे पहले ही, जब से जन्म हुआ BSP का, जब इसे जो हम 84 में हुआ था। हाँ, 1984 में, 14 अप्रैल 1984 को। तो आपने जो है, आपको टिकट नहीं दिया BSP वालों ने? नहीं, टिकट नहीं दिया। दो बार हमने प्रयास किया, दोनों बार टिकट नहीं मिला। कारण क्या रहा? कारण तो वही बताएंगे कि किस वजह से कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाता। अब आपका जो समर्थन है वो सिकंदर यादव को हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ जो मेयर का दमदार प्रत्याशी है वो सिकंदर यादव है, वो व्यक्तिगत हमारा उनसे लगाव है, पहले से भी हमारे संपर्क रहे हैं, और वो पहले BSP में भी थे जी। और BSP में होने के बाद वो अब जो समाजवादी में चले गए हैं जी। तो हमारा जो है व्यक्तिगत उनसे लगाव है, इसलिए हमारा उनके लिए समर्थन है। कितनी वोट हो जाएंगी कम से कम यहाँ पूनम यादव की? जितना भी प्रयास करेंगे उनके लिए हम डलवाने का काम करेंगे जी। तो ये प्रत्याशी हैं यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज गौतम है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम सरोज गौतम है जी। तो आप ये चुनाव लड़ रही हैं एक महिला होने के बाद में, महिला कितनी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ? सारी महिलाएं हैं। सारी महिलाएं हैं ना जी। सब महिला सीट है ये? हाँ हाँ। तो आप क्या विकास करेंगी यहाँ पर? विकास में वही नाली खरंजे, जो भी नाली खरंजे, पानी, बिजली, इनका सबका ही वो करूँगी। आपके बच्चे कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, पढ़ ही रहे। कौन कौन सी क्लास में? एक BA कर रहे हैं, 2 तो। अच्छा। हाँ, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो तो मतलब ड्यूटी करते हैं। किस चीज़ की? गार्ड की ड्यूटी करते हैं। अच्छा। तो अब क्या उम्मीद है जनता की? जनता से क्या उम्मीद चाहती है और जनता के लिए क्या संदेश है? तो जनता से हमारी अपील है कि जनता हमें जो है जिम्मेदारी दे जी। क्षेत्र की यदि जिम्मेदारी देती है जनता, तो हम जो है ना इसको जो है स्वच्छ, साफ सुथरा इलाका, शहरी, जिसको कहते हैं ना, शहरी क्षेत्र बनाने का काम करेंगे जी। तो इसमें जो आप लोगों का ये मैनिफेस्टो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आप लोगों ने, तो इसमें से कितनी पे खरा उतरोगे? जितना पार्षद का अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी आप प्रतिज्ञा करते हैं इस बात की? बिल्कुल प्रतिज्ञा करते हैं। चलो ठीक है, हमारी सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 2 तारीख को 2 नंबर वार्ड है, और आने वाली 11 तारीख को इनके चुनाव चिन्ह किताब है, और किताब इन्होंने बहुत बांटी है, बाबा साहब के अनुयायी है, आप सब लोग देख रहे हैं इसमें। नमो बुधाय, जय भीम। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए
ये थे हमारे साथ रोहतास बोध जी किताब वाले, और इनकी पत्नी है ये सरोज गौतम जी। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत मंगल कामना। जय भीम, नमो बुद्धाय।